हेलो एवरीवन, अक्सर हमारे घर में बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें, बहुत सारे कंटेनर्स जो हैं वो वेस्ट पड़े रहते हैं, जैसे कि ऑयल कैंस, कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स, और उन्हीं को आज हम यूज़ करके बनाएंगे एक प्लांटर। ये टॉय ट्रक प्लांटर मैंने डीजल कैन के साथ बनाया है, तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ताकि आप भी उसे फॉलो कर सकें। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। बिफोर स्टार्टिंग विद द प्लांटर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें अलॉन्ग विद द बेल, और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द DIY नाउ। तो ये वो डीजल ऑयल कैन है जिससे आज मैं प्लांटर बनाने वाली हूँ। तो जिस भी शेप में हमें कट करना है, पहले मैं उसे मार्कर के साथ पूरा एक मार्क कर लूँगी, पूरा एरिया जितना हमें कट करना है। ऊपर की साइड से एक हैंडल का एरिया हम कट करेंगे, और हैंडल की साइड से ही हम टॉप पोर्शन बनाएंगे प्लांटर का, जहाँ से हम प्लांट लगाएंगे। मार्क करने से हमें हेल्प हो जाएगी कि कितना कितना एरिया हमें कट करना है, और कोई भी नाइफ वगैरह या कोई भी शार्प चीज़ को गर्म करके आप इसे इजीली कट कर सकते हैं। और कट करने के बाद ये एक थोड़ा सा पोर्शन है जो कि ओपन हो गया है, और ऊपर से थोड़ा सा एरिया है जो कि अभी हमें क्लोज करना है। तो इसी का जो ऊपर का हिस्सा है उसे मैं यूज़ करने वाली हूँ, इस तरह से अंदर फिट करके, यहाँ से कट करके इसे ग्लू के साथ फिक्स कर देंगे। तो मैं इतना एरिया मार्क कर लेती हूँ जितना मुझे और थोड़ा सा कट करना है, और इसके अंदर मैं उसी के बराबर का एक और पीस कट कर लूँगी जो कि उसकी जगह पर मुझे प्लेस करना है, उस ओपन की हुई जगह को बंद करने के लिए। इस तरीके से ये पूरा फिट आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हॉट नाइफ से प्लास्टिक की चीज़ को कट किया जाता है तो उसकी कटिंग इतनी स्मूथ नहीं होती, तो इसलिए मैं कटर की हेल्प से जो भी एक्सेस प्लास्टिक अंदर बाहर निकली हुई है उसको मैं कट कर रही हूँ। इससे आपके प्लांटर की फिनिशिंग अच्छी आएगी और वो हाथ पे कट नहीं लगेगा। उससे अच्छे से सारी प्लास्टिक रिमूव करने के बाद मैं थोड़ा सैंड पेपर से एजेस को स्मूथ कर रही हूँ। कट किए हुए एजेस की फिनिशिंग के बाद अब मैं इन पीसेस को ग्लू के साथ फिक्स कर रही हूँ, चारों तरफ अच्छे से ग्लू गन की ग्लू लगा के उसे अपनी जगह पे प्लेस कर देंगे, और ये इजीली फिक्स हो जाता है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इजीली प्लास्टिक को फिक्स कर देगा। और जब हम प्लांटर में प्लांट लगाएंगे और मिट्टी ऊपर तक भर देंगे तो ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। नीचे का जो छोटा होल है उस पर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ग्लू गन के साथ ही उसे बंद कर दूंगी, और जब पेंट करेंगे तो वो नीचे से नज़र नहीं आएगा। अब पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनेमल पेंट। दो कलर्स मैं बेस पे यूज़ करूँगी, एक रेड कलर फ्रंट के लिए और बैक साइड के लिए मैं ब्लू कलर यूज़ करूँगी। आप इनेमल पेंट की जगह पे एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट इनिमल पेंट 24 आवर्स के बाद एकदम फिक्स हो जाता है, उतरेगा नहीं। बट जो एक्रेलिक कलर्स होते हैं उन्हें हमें एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए अच्छे से ड्राई करना है, ताकि उसके लेयर्स प्लास्टिक के ऊपर से ना उतरें। रेड कलर से मैं टॉय ट्रक का फ्रंट पोर्शन बना रही हूँ, और उसका बैक साइड जो ट्रॉली वाला पार्ट होता है उसे मैं ब्लू कलर के साथ बनाऊँगी। अब हमें टॉय ट्रक के व्हील्स बनाने हैं, तो मेरे पास ऐसे लकड़ी के कुछ पीसेस पड़े हुए हैं जो कि पोल्स जैसे हैं। इन्हीं को मैंने कारपेंटर से कटवा के उनके व्हील्स बना लिए हैं, और ड्रिल की हेल्प से सेंटर में उनके हॉल करके उनको लगाने के लिए स्पेस बना ली है। तो इस तरह से 4 व्हील्स में लगाऊंगी। आप इनकी जगह पे इस तरह के जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं इक्वल साइज़ की, उनकी जो लिड्स हैं उनको भी टायर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप और ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू देखना चाहते हैं तो किसी टॉय कार के ही व्हील्स को, जो डिस्कार्डेड टॉय कार हो उसके व्हील्स को भी आप निकाल के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वुडन टायर्स को ही यूज़ कर रही हूँ, तो इनको टायर की लुक देने के लिए यहाँ पे एक कोट में एक्रेलिक कलर ब्लैक करूँगी वुडन टायर्स के ऊपर। और टायर्स की कंप्लीट डिटेलिंग हम तब करेंगे जब हम इसे प्लांटर के ऊपर फिक्स कर देंगे। 24 आवर्स के बाद ये हमारा पेंट अच्छे से ड्राई हो गया है, और इसके अंदर मैंने 2 ड्रेनेज होल किए हैं, और साइड्स पे भी मैंने होल्स कर लिए हैं व्हील्स को फिक्स करने के लिए। मैं यहाँ पे इस आयरन रोड को यूज़ कर रही हूँ, जो पतला वाला सरिया होता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी 2 पीस कट कर लिए हैं। व्हील्स के लिए जो होल आप करेंगे वो उसी साइज़ के होने चाहिए जो भी वायर या रोड आप यूज़ करेंगे टायर्स को फिक्स करने के लिए। उसका रीज़न ये है कि अगर होल्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो उसमें से जब हम वाटरिंग करेंगे तो मिट्टी जो है वो बाहर आ सकती है, या फिर जब आप व्हील्स लगा दें तो ग्लू गन के साथ उन होल्स को अच्छे से बंद कर दें। व्हील्स लगाने के लिए अगर आप व्हील्स को नीचे ही ऐसे लगाएंगे, कैन का बेस अगर नीचे टच होता है
तो आप कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो वेट है वो कैन के ऊपर ही पड़ेगा। बट अगर आप इस तरीके से बाहर को निकाल के प्रॉपर तरीके से व्हील्स लगाना चाहते हैं तो आपको ऐसी रोड का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्लांट लगाने के बाद सारा वेट जो है इन व्हील्स के ऊपर आ जाएगा, तो वो अच्छे से मजबूत रोड के साथ लगे होने चाहिए जो कि थोड़े से वेट के साथ बेंड ना हो जाए। अब इस तरीके से व्हील्स को उन आयरन रोड्स के साथ हम फिक्स करके दोनों तरफ मैं प्लांटर के व्हील्स लगा रही हूँ। तो ये एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो टॉय ट्रक का अब तैयार हो गया है, और अब हमें काम करना है इसकी डिटेलिंग के ऊपर। तो डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। डिटेलिंग के लिए आप अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाइए और अपनी इमेजिनेशन से जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप ट्रक के पार्ट्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं कि आपको उसे कैसा दिखाना है, या फिर इंटरनेट से टॉय ट्रक की कोई इमेज डाउनलोड करके आप उसको भी यहाँ पे इमिटेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा लोअर पोर्शन वाइट कलर में दिखाया है, और यहाँ पे डोर्स जो हैं वो मैं वाइट कलर में बना रही हूँ, और एक छोटा सा पोर्शन मैं ग्लास का भी यहाँ पे शो करूँगी। और ऐसे ही ट्रॉली का जो अपर पोर्शन है उसमें भी मैं वाइट एंड ब्लू कलर के स्ट्राइप्स जो हैं शो कर रही हूँ। विंडो ग्लास के लिए मैं स्काई ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, एक लेयर स्काई ब्लू कलर की, और उसके बाद सेकंड कोट जो है वो मैं सिल्वर कलर के साथ करूँगी ताकि प्रॉपर ग्लास की लुक आए। और वही सिल्वर कलर मैं व्हील्स पे भी डिटेलिंग के लिए यूज़ करूँगी, जैसे कि टायर्स के अंदर जो व्हील्स होते हैं स्टील के, तो उनकी लुक के लिए मैं यहाँ पर सिल्वर कलर यूज़ करने वाली हूँ। दोनों तरफ हमें सेम टाइप की डिटेलिंग करनी है, और अब हमें काम करना है इसकी फ्रंट लुक के ऊपर। फ्रंट लुक के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगी, यहाँ पे एक मैं बनाने वाली हूँ विंडशील्ड और मैं बनाऊँगी हेडलाइट्स, बस ये दो चीज़ें ही हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो विंडशील्ड बनाने के लिए भी अगेन ग्लास की लुक देने के लिए मैं पहले एक कोट जो है वो स्काई ब्लू कलर का करूँगी अच्छे से, और स्काई ब्लू कलर करने के बाद डबल कोट मैं करूँगी इसके ऊपर सिल्वर शेड का, ये विंडशील्ड के लिए। और ये नीचे मैं बना रही हूँ दो हेडलाइट्स, और हेडलाइट्स के लिए भी पहले स्काई ब्लू कलर, फिर सिल्वर कलर, और उसके ऊपर गोल्डन का टच देके मैं प्रॉपर उसे लुक देने की कोशिश करूँगी हेडलाइट्स की। डिटेलिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमें एक फाइनल टच देना है मार्कर के साथ। मार्कर के साथ हमारी फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी, जो भी हमारे अनइवन से गैप हैं वो हम मार्कर के साथ इक्वल करके कवर कर देंगे, और मार्कर के साथ ही हम बनाएंगे डोर के हैंडल्स। ये मैंने परमानेंट मार्कर यूज़ किया है तो ये रिमूव नहीं होगा पानी से या धूप से। मार्कर का फाइनल टच देने के बाद अगर आप एक कोट ऊपर वार्निश का कर देंगे तो आपके जो कलर्स हैं वो कभी भी धूप या पानी से ख़राब नहीं होंगे। एंड नाउ आवर टॉय ट्रक प्लांटर इज रेडी। तो लीजिए, बन गया हमारा टॉय ट्रक प्लांटर बस कुछ ही स्टेप्स में। बहुत ज़्यादा मेहनत आपको इसको बनाने के लिए नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा काम आपको इसकी डिटेलिंग के ऊपर करना है। जितनी अच्छी डिटेलिंग आप इसकी कर पाएंगे उतनी ही रियलिस्टिक इमेज इसकी निकल के आएगी। और जब आप इसमें प्लांट लगाएं तो इसकी सॉयल मिक्सचर में अच्छी क्वांटिटी में कोकोपीट ज़रूर ऐड करें ताकि आपका सॉयल मिक्सचर लाइट वेट बने, क्योंकि अगर आप सिर्फ मिट्टी में प्लांट लगा देंगे तो मिट्टी थोड़े टाइम के बाद कड़क होना शुरू हो जाती है और इसकी शेप जो है ये यहाँ से इस तरीके से बाहर को आनी शुरू हो जाएगी। तो इसकी शेप को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए और इसको थोड़ा लाइट वेट बनाने के लिए, हैंडी बनाने के लिए आप इसमें कोकोपीट ज़रूर ऐड करें। उसके अलावा अगर आपको ये व्हील्स लगाने में कोई प्रॉब्लम लगे या इसके लिए मटेरियल नहीं मिल रहा हो तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे पेंट भी कर सकते हैं, तो इसको बनाना और भी इजी हो जाएगा। आई होप आपको आज का ये DIY अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।